दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि तालाब में मछली पालन अगर आप करते हैं तो तालाब में नमक डालने के कितने सारे फायदे होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब गर्मी के दिन आ चुकी है पूरे देश में, अब ठंडी खत्म हो रही है। मछली पालन के लिए गर्मी का सीजन बहुत ही अच्छा होता है। इस सीजन में मछलियाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मार्च चल रहा है और गर्मी काफ़ी अच्छी पड़ रही है। मार्च अप्रैल और उसके बाद के 3-4 महीने बहुत अच्छे होते हैं मछली पालन के लिए। अभी ठंडी खत्म हुई है और बहुत सारे किसान भाइयों के तालाब में मछलियाँ फीडिंग नहीं ले रही है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि ठंडी के बाद से ही हमारी मछलियाँ फीडिंग नहीं ले रही है, हम क्या करें। तो आज के इस वीडियो में आपको हम उसी के बारे में जानकारी देंगे और ये भी जानकारी देंगे साथ में कि तालाब में नमक कितना डालना चाहिए, नमक डालने के कितने सारे फायदे होते हैं। ठंडी खत्म हुई है उसके बाद भी मछलियाँ अच्छे से अगर आपकी फीडिंग नहीं ले रही है पहले की तरह, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देते हैं तालाब में नमक डालने के फायदे। तो सबसे पहले हमने बताया कि ठंडी खत्म हुई है उसके बाद भी अगर आप मछलियों को भोजन खिला रहे हैं तो मछली उतनी अच्छे से भोजन नहीं कर रही है पहले की तरह। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कोई दिक्कत है तो आप मछलियों के भोजन में नमक मिलाकर देंगे और तालाब में 1 एकड़ का अगर आपका तालाब है तो 15 से 20 kg नमक एक बार में इस्तेमाल करेंगे, वो भी सस्ता वाला नमक जो बाज़ार में मिलता है। इसके इस्तेमाल के बाद मछलियाँ बहुत अच्छे तरीके से फीडिंग लेने लगेगी। अगर आप फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं तो उसमें भी मिलाकर पानी के साथ भिगोकर खिला सकते हैं और तालाब में भी छिड़काव कर सकते हैं। पंगास मछली में खासकर ये शिकायत मिलती है कि ठंडी खत्म होने के बाद वो फीडिंग अच्छे से नहीं लेती है या जाल चलने के बाद फीडिंग नहीं लेती है। तो आप नमक का छिड़काव अपने तालाब में करें। पंगास मछली हो, मांगुर हो, IMC हो, कार्प्स हो, कोई भी मछली हो, नमक बहुत फ़ायदा करता है। बाजार में 50 kg तक का बोरी मिलता है नमक का, जो कि काफ़ी सस्ता वाला रहता है। 1 एकड़ में 15 से 20 kg नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनके फ़ायदों के बारे में जाना जाए तो नमक पानी को साफ रखता है, नमक एंटी फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एंटी पैरासाइट है। दोस्तों मछलियों को स्ट्रेस फ्री बनाता है और मछलियाँ अच्छे से फीडिंग लेती हैं। तालाब में ऑक्सीजन लेवल को भी हाई करता है। अगर आप मछली बीज कहीं से खरीद कर लाते हैं पानी में रख कर, तो उस समय भी हमें तालाब में नमक का छिड़काव पहले से कर रखना चाहिए। और जब हम बच्चा खरीद कर लाते हैं गाड़ी में तो उसमें भी कुछ नमक का छिड़काव कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होता है कि हम प्लैंकटन अपने तालाब में डालते हैं जो पैकेट वाली होती है, तो किसी तालाब में प्लैंकटन बनता है किसी तालाब में नहीं बनता है। तो पानी का अगर हार्डनेस अच्छा रहेगा तो तालाब में प्लैंकटन बनेगा, और पानी का हार्डनेस कैसे बढ़ेगा, वो नमक के प्रयोग से बढ़ेगा। तो आपको अगर तालाब में प्लैंकटन आप डालते हैं, जो हम प्लैंकटन पूरे देश में भेज रहे हैं किसान भाइयों को, आप भी दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे प्लैंकटन मंगवा सकते हैं। 1 kg का पैकेट होता है, तो पानी के हार्डनेस को नमक बढ़ाता है। उसके बाद आप प्लैंकटन का छिड़काव कीजिए या गोबर सरसों की खली का छिड़काव कीजिए, तब प्लैंकटन बहुत अच्छा बनेगा। नमक अमोनिया को भी दूर करता है, नाइट्रेट गैस को भी ख़त्म करता है, और पंगास मछली है तो उसमें काफ़ी फ़ायदा करता है नमक। जो भी किसान भाई लीवर टॉनिक नहीं खरीद सकते हैं वो नमक का प्रयोग फीड में ज़रूर करें। 2% फीड में नमक का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आपके FCR को कम करता है, मछलियों में साइन बढ़ाता है। नमक के बहुत सारे फायदे हैं। नमक को पानी के साथ तालाब के ऊपर ही घोल लें, उसके बाद चारों तरफ से तालाब में छिड़काव करें। 1 एकड़ में 15 kg नमक का प्रयोग जरूर करें। और प्लैंकटन किसी भी तरह का दवा मंगवाने के लिए लीवर टॉनिक, हाइपर ग्रोथ, पॉन्ड गार्ड, सैनिटाइजर, अगर मछलियों में कोई रोग लगा है तो पहले से दवाई खरीद कर रखें, बाद में आपको इधर उधर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।